जे तस्वीर फैसल मुमताज राठौर की है जो कि मुमताज राठौर के बेटे भी हैं। मुमताज राठौर अपने समय में आज के पीओके के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो भाइयों देखिए कैसे अपने बही घोड़े वाले रुतबे और अपने बेटे को भी बही शिक्षा देते हुए नजर आते हैं। तो भाइयों असल में राठौरों ने पुंछ पर राज किया है। तो भाइयों जो कहोता से हैं हवेली से इनके परिवार को राजगान ए सदरू भी बोला जाता है। भाइयों पुंछ पर अनेक वंशजों ने राज किया है। तो भाइयों 12वीं सदी के बाद जहां पर रजौरी से ही लगता है जो इलाका पुंछ वाला बहुत बड़ा इलाका है, आज कोई 20-30 फीसदी भारत के पास होगा और बाकी जो है वो पीओके में है। हवेली सुदन कोटी इसके अलावा बाघ बहुत सारी तहसीलें जो दूसरे देश के पास है। तो बहुत बड़ा जिला था ये और ये रजौरी के साथ लगता था। तो जहाँ पर जरालों का भी राज रहा है और कुछ इलाके पर जब कोटली में 15वीं सदी में मंगरालों ने रियासत बनाई सेंसा और फिर कोटली में तब ये मंगरालों के कब्जे में भी कुछ इलाका इसका रहा है। लेकिन 16वीं सदी में राव जोधा राठौर जो कि 14वीं सदी में हुए, राव जोधा राठौर के बाद राव सूरज सिंह हुए, राव सूरज सिंह के बाद ही उसके बाद जहांगीर के टाइम इनको पुंछ में एक इनको जहां पर रियासत दी गई और इन्होंने पूरे पुंछ में अपनी रियासत बनाई। लगातार 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इन्होंने जहां पर राज किया। इसके पहले राजा सिराज राठौर रहे, उसके बाद राजा शहबाज खान राठौर, उसके बाद राजा अरजाक राठौर, फिर उसके बाद राजा रुस्तम राठौर और उसके बाद राजा बहादुर राठौर रहे। राजा बहादुर राठौर जब तक महाराजा गुलाब सिंह का जब राज आया तो जम्मू की 22 राजपूत रियासतें थी वो सब कब्जे में आ गई और उनको जो रियासत वालों को कुछ को जागीरें मिल गई और ये रियासत भी कैप्चर हो गई। लेकिन फिर भी रॉयल फैमिली जो कि 150 साल पहले से अभी भी हवेली में कहोटा में रह रही है और वहां पर पीओके में ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अभी उसी ठाठ बाट से रहते हैं और अभी भी इनकी हवेली और बही राजपूती रुतबा कायम है। ये बहुत बार वहाँ के राजपूतों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं और बाकी राजपूतों की तरह ये भी वहाँ पर राजा टाइटल ही चूज करते हैं।